इल्मा को कितना अरसा हुआ है फील्ड में और कैसे आई आप इस फील्ड में? मुझे 4 साल हो गए हैं. और कैसे आई, मैं पहले दे रही थी ऑडिशंस वगैरह ना. अच्छा, तुम ऑडिशंस दे रही थी? दे रही थी, बट फिर मैं हार, मतलब बचपन से था मुझे क्रेज कि मुझे एक्टिंग करनी है, बट फिर मैंने हार मान ली कि मुझे शादी करनी है. कहाँ कहाँ जाके देती थी तुम? जैसे कैसे पता चलता था? तुम्हें जरा लोगों को भी बताओ कि ऑडिशन देने के लिए गूगल करती हो, क्या करती हो, किधर जाते हो? नॉर्मली आई थिंक अब तो सबको सभी पता है, सिट्रस हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया, मतलब नॉर्मली आप जा सकते हो. कराची में ही रहती हो? अच्छा, तो मैंने ऑडिशन एड्रेस वगैरह सब नंबर्स वगैरह गूगल करती हो, गूगल से निकालती थी? जी जी जी. अच्छा, नॉर्मली मैंने ऑडिशन दिए तो उस टाइम पे तो कुछ ऐसा फायदा नहीं हुआ कुछ. जैसे ही मैंने शादी कर ली, शादी के 1 साल के अंदर अंदर फिर मुझे ना, मतलब फोन आने लग गए कि वहीं जा ऑडिशंस दिए हुए थे. हाँ, वहां तो से फोन आना शुरू. आप मजे की मतलब मियां लकी है? नहीं नहीं, अब मजे की बात आप ये देखें कि मेरा बेबी हो गया. हाँ. और फिर मैं नॉर्मली स्टेटस वगैरह लगाऊं अपनी बेबी की कि यार ये उसको मुश्क ड्रामे में मतलब कास्ट किया कि मतलब आपके बेटे को. हाँ, बच्चे को. हाँ, एक डायरेक्टर पीछे पड़ गया कि मुझे यही बेबी चाहिए और ऐसे से मोमल के साथ काम किया उसने. हाँ. अच्छा, मैं उसको लेके गई. अच्छा, मुझे था कि चलो मुझे नहीं हुआ, लेकिन ये कि मेरी बेटी कर रही है. अच्छा, अब उसी दौरान ना, मतलब उन लोगों ने बोला आप क्यों नहीं करती काम. अच्छा. हाँ. मेरे दिल में तो एक अजीब, मैं तो शुरू से ही ये चाह रही थी, तो फिर मैंने लगा क्यों नहीं करूँगी. फिर उसी दौरान ही ये मुझे ताना बाना मिला, परिजात मिला.